स्मृति ईरानी की बेटी जाएंगी जेल। स्मृति की बेटी जॉयस ईरानी पर लगे गंभीर आरोप। गोवा में अवैध बार चलाती है स्मृति की बेटी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती ही हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी जॉयस ईरानी सुर्खियों में है। आरोप है कि स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस गोवा में गैर कानूनी तरीके से बार चलाती है। उनकी बेटी पर अवैध तरीके से लाइसेंस लेने और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने जॉयस ईरानी के सिली सोल कैफे एंड बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉयस ईरानी ने एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस को रिन्यू करवा लिया। शराब का लाइसेंस मुंबई के रहने वाले एंथोनी डिगामा के नाम पर था, जिनकी मौत 17 मई 2021 को ही हो चुकी है, लेकिन मरे हुए शख्स के नाम पर दारू के लाइसेंस को जून 2022 में ही रिन्यू करवा लिया गया। यानी एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर शराब का कारोबार किया जा रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वो स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो, उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का, तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले, यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3-3 गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलू मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें, आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। An 18-year-old child, a college student, her character today was assassinated by congressmen at the Congress headquarters. That 18-year-old child, and I called her child because I gave birth to her, her fault is that her mother fought the Lok Sabha election against Rahul Gandhi from May 18, 2014 in 2019. That 18-year-old girl, her fault is that her mother, as has been said by the Congress spokesperson, does press conferences against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That 18-year-old girl, her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople, and they claim that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that congressperson, where is my daughter's name in the papers that he flashed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian Treasury.
So to the gentleman who sat there, giggled as they assassinated my daughter's character, I will see you in the court of law and in the court of people. वहीं बेटी पर लगे आरोपों के जवाब में स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उनकी बेटी सिर्फ 18 साल की है और कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन अब स्मृति ईरानी अपनी बेटी की कम उम्र की दुहाई दे रही हैं। कुल मिलाकर उनकी बेटी पर गंभीर आरोप लगे हैं और अगर निष्पक्ष जांच हुई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो स्मृति ईरानी की बेटी को जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि गोवा में बीजेपी की ही सरकार है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।